तीन तलाक पर विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम महिलाओं को सालों पहले की कुरीति से मुक्ति मिली। आपको बताएं, विपक्ष में 84 वोट पड़े, पक्ष में 99 वोट पड़े। विपक्ष के कई सांसदों ने वोट नहीं डाला और इसी के साथ सदियों की कुरीति तीन तलाक का अंत हो गया है। तीन तलाक पर मोदी सरकार की बड़ी जीत, रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास, तीन तलाक पर विपक्ष को बड़ा झटका। राज्यसभा में बिल हो गया है पास, विपक्ष में 84 वोट जबकि पक्ष में 99 वोट। तो 99 वर्सेस 84, बड़ी सफलता मोदी सरकार की। मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुरानी कुरीति से मुक्ति मिली है। विपक्ष में 84 वोट जबकि पक्ष में 99 वोट। और आप समझिए, मुस्लिम जो समुदाय उसकी आधी आबादी के लिए ये बड़ी खबर और लगभग करोड़ों महिलाओं की जिंदगी अब बदलने वाली है। अब उन्हें कोई भी तलाक 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 कहकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। निश्चित तौर पर नया सवेरा, तीन तलाक बिल पर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी। एक मर्द और औरत के बीच में नहीं होता, तलाक दो खानदानों के बीच में हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम अब तलाक रुक जाएंगे और इससे एक अच्छा माशरा बनेगा। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि सब खुशहाल रहें, सबके घर आबाद रहें, सब कामयाब हों। जिसे पास हो गया है आज राज्यसभा में, लोकसभा में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब तीन तलाक पर विपक्ष को बड़ा झटका। आप समझिए, जब ये शुरुआत हुई थी उस वक्त ये लगभग ये काफी बार ऐसा हुआ है, तीन तलाक से मुक्ति का सपना पूरा मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में। नया सवेरा, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी जरूर है मोदी सरकार की, लेकिन इसी से आप समझिए करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। संसद ने आज इतिहास रचा है, तीन तलाक बिल पास हो गया और अब आप समझिए भारत देश में भी तीन तलाक जो है वो अब खत्म होगा। रिजल्ट ऑफ द डिविजन on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, as 99, nos 84, the motion that the bill be passed is adopted. Open the lobbies. जी हाँ, तो देखिए कि आज जिस प्रकार से मोदी सरकार को कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं आप इस चीज को ये समझिए कि ये मोदी सरकार की कामयाबी भली है लेकिन इससे करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल के पास होने के बाद जो मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता से खेल होता था, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ तीन बार तलाक कह देने से उनकी जिंदगी बदल जाती थी, अब वो नहीं होगा। मुस्लिम महिलाओं को हक होगा अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने का और कहीं ना कहीं जो करोड़ों जो महिलाएं हैं उसकी जिंदगी बदल जाएगी इससे, इस बिल को पास होने से। तो तलाक बिदत को रद्द किया गया, तीन तलाक को संज्ञेय अपराध मानना बिल में ये प्रावधान है। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में नया सवेरा है।